हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 NIOS बोर्ड का जो है रिस्पिरेशन इन अ प्लांट, ये NCERT अकेडमी क्लास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस चैप्टर में जो है हम करेंगे कि जो है पादपों में किस प्रकार जो है श्वसन होता है। आपको पता है कि त्रिपाण स्टडी सेंटर आपके लिए जो है हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियमों का डोस लेके आया है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है आपको हिंदी और इंग्लिश में समझने के लिए। ठीक है, इसमें जो है हम रिस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे कि प्लांट जो है कैसे श्वसन क्रिया करती है और इसके लिए कौन कौन से फैक्टर जो है जिम्मेवार है। ठीक है, ये सब बातें होगी, लेकिन सब बातें होने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूं, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात यह भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। देखिए दोस्तों, लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का जो है प्रोत्साहन बढ़ता है और आपके लिए अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करता है। ठीक है, सब्सक्राइब करना आपके हित में है। इसका कारण ये है कि अगर आप सब्सक्राइब करके रखोगे तभी जो है मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और आपको पता है कि मैं हर क्लास का जो है सब्जेक्ट डालता ही रहता हूँ समय समय पर, तो अगर सब्सक्राइब करके नहीं रखिएगा तो शायद उस वीडियो से आप अनभिज्ञ रह जाइएगा, यानी वो आपको प्राप्त नहीं होगा और आप उसका नॉलेज नहीं ले पाइएगा। साथ में जो अगर आप शेयर करते हो तो शेयर करना एक जग कल्याण के समान माना जाता है। इसे ये होता है कि मान लीजिए कोई जो है बच्चा जो है मेरी वीडियो की उसकी ज़रूरत थी और आपके थ्रू वो वीडियो उसको पास पहुंचा है, तो वो सदैव ही आपका धन्यवाद ही रहेगा और सदैव ही आपका जो है शुक्रिया अदा करेगा कि तुम्हारे कारण मुझे जो है वीडियो प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा कि त्रिपाण स्टडी सेंटर सिर्फ एक क्लास के लिए अग्रसर नहीं है, ये कई क्लासों के लिए अग्रसर है। जैसे 8th, 9th, 10th, 11th, 12th CBSE के सारे चैप्टरों को कवर करेगा समय के साथ, प्लस जो है NIOS बोर्ड का 10th+2 को भी कवर करता है सभी सब्जेक्टों का, प्लस जो है BA पंजाब यूनिवर्सिटी का जो है फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 6th सेमेस्टर तक 8 सब्जेक्टों को कवर करता है, प्लस जो है MA के जो है बच्चे ऑन डिमांड जो मुझे करते हैं कमेंट, उनके लिए भी त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है अग्रसर है। देखिए दोस्तों, त्रिपाण स्टडी सेंटर इतना बड़ा है, विस्तृत है, तो आपको अभी जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ बांटिए। ठीक है, तो भूलिए मत, ये करना आपका फर्ज है और मेरा कार्य करना है आपको टॉपिक लेके चलना है। देखिए आज देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। Our next topic is cellular respiration. Friend, what do you mean to cellular respiration? Here, oxygen that is absorbed in the body is used to oxidize other nutrients. Why is the glucose, amino acid and fatty acid completely producing a CO2, water and energy? It's occur within the cells and tissue. The absorb figure is 12.2 and identify the step of cellular anaerobic respiration. Note that the first stage is all the pathway is a glycolysis. Friend, here is important diagram. Glycolysis is competing exam in the all time. There's sugar 6,6 glycolyzing and 2-pyruvate 3C is anaerobic respiration, and the fungi and the yeast ethyl plus CO2, and the anaerobic respiration in an animal example muscles and the lactic acid. There is a Krebs cycle. There is a pathway in the cellular respiration. This is most important for the exam view. That is come to the BSc also. The glycolysis, also known as the Ambrose Metamorphosis Prandtl pathway. When there is or not there oxygen available in the cell, the breakdown of glucose is the initially away anaerobics. It is a common to the both anaerobic aerobics respiration. It is involved oxidizing glucose C6 carbon compound to be a molecule is a pyruvic acid through the series of enzymatic controlled reactions occurring in the cytosol. Initially, substrate is a glucose. Either for the photosynthesis as a plant from the carbohydrate digest in a animal. Glycolysis may be subdivided into 3 major phases. The first is phosphorylation of glucose to the fructose 1 and 6 disphosphate. This is the activation of the glucose and 2 ATP as are used. And sulfating of this compound into the 2
2-3 कार्बन शुगर फास्फेट विच आर द इंटरकन्वर्सिबल. नोट दैट दिस इज ओरिजिन ऑफ द टर्म ग्लूकोलाइसिस मीनिंग टू स्प्लिटिंग ऑफ द ग्लूकोज ऑक्सीडाइजिंग बाय द dehydration of each 3C sugar phosphate is oxidizing by the removal of hydrogen and making a reduced NAD. That is NAD and production of the 2 ATPs. This group of reaction is believed to one of the first energy capturing the reaction which is involved about 3 million years ago in the ascent bacteria and today is occur is visually all cell of all form of life. Here ATP is divided by the ADP plus PI and plus 30 kJ. So here is the balance of equation here. The glucose, ATP, ADP, glucose 6-phosphate, ATP and ADP, there is glucose and fructose are isomers. And the fructose 1,6-dipyrophosphate, there is the activations. And the 3-carbon sugar phosphate is the 3-carbon sugar phosphate is a splitting and NAD positive, NAD plus H positive and 2 ATP. The pyruvic acid is the oxidation and 3-carbon compound. Glucose plus 4 ADP plus 4 PI is a 2 NAD is equal to 2 pyruvic acid plus 4 ATP and 2 ADH. The two molecules of ATP were used up in the initial step of glycolysis. Thus, the net gain of ATP during the glycolysis is a 4 minus 2 is equal to 2 ATP. Also, 2 ADH plus H are produced. Thus, we see that only a small amount of energy is released at the end of glycolysis. देखिए दोस्तों, हमारा जो ये पॉइंट है कोशिका संवर्षण, ये अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि हम इसमें जो है साइकिल के बारे में पढ़ेंगे कि किस प्रकार जो है ये ग्लूकोलाइसिस बनता है. देखिए, ग्लूकोलाइसिस बनना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रक्रिया है जो कई क्लासों में इंपॉर्टेंट है. ठीक है, जो बच्चे बीएससी भी करते हैं, ठीक है, उसमें भी ये आ जाता है. जो जूलॉजी करते हैं उनमें भी ये जो है पढ़ने को उनको मिलता है और ये काफ़ी विस्तृत वहाँ पर होती है. ठीक है, और जो चीज़ यहाँ पर वही चीज़ वहाँ पर भी पढ़ना पड़ेगा आपको कि ग्लूकोलाइसिस जो है ऑल क्लासेस में रहती है. ठीक है, जो बच्चे आगे बीएससी करने का सोच रखे हैं, जूलॉजी लेंगे, उनके लिए जो ग्लूकोलाइसिस की जो प्रोसेसिंग है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, ये तो आपको माइक्रोबायोलॉजी में भी मिल जाएगा. ठीक है, कहते आप सोचें ऑक्सीजन का उपयोग जो है पोषक पदार्थ जैसे ग्लूकोज, एमिनो अम्ल तथा वायवीय अम्लों का संपूर्ण ऑक्सीकरण करके CO2 उत्पन्न जल तथा ऊर्जा जो है उत्पन्न करने में होता है. यह क्रिया जो है कोशिकाओं एवं उत्कों में होती है. कहते हैं आप अगर आप चित्र देखोगे तो उसमें कोशिका संवर्षण वायवी तथा अवायवी के विभिन्न चरणों के चिन्हित करेंगे. इन दोनों कोशिका संवर्षण का जो है प्रथम चरण ग्लूकोलाइसिस होती है. प्रथम चरण दोस्तों यही होती है ग्लूकोलाइसिस, जैसे कि चित्र में भी देख सकते हो आप. यहाँ पर शकड़ा जो है सी जो है 6-6-C दिया हुआ है जिसमें ग्लूकोलाइसिस ही हो रहा है पहला प्रोसेसिंग. ठीक है, पहला प्रोसेसिंग ग्लूकोलाइसिस हो रहा है, उसके पश्चात जो है 2-pyruvate यानी 3C में कन्वर्ट होता है. यहाँ पर जो है कई क्षेत्रों में ये विभक्त हो जाती है. अवायवी संवर्षण हो जाता है कवक में, जैसे उदाहरण जो है एथेनॉल ईस्ट में, फिर एथेनॉल प्लस CO2 में कन्वर्ट कर लेता है. दूसरी तरफ देखा जाए तो ये अवायवी संवर्षण जंतुओं में, उदाहरण जो है मांसपेशियों में होती है, जिससे जो हमारा बनता है लैक्टेट बनता है, लैक्टिकल अम्बल बनता है, जिसको हम क्रेवस चक्र भी कहते हैं. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कई क्लास के बच्चों के लिए. अब यहाँ पर बताया गया कि ग्लूकोलाइसिस जो है एम्ब्रेडेंस हेयर हाफ फेरनास पाथवे होती है, यानी इसको ये भी नाम से भी जो जाना जाता है. तो कन्फ्यूज़न मत होना, चाहे ग्लूकोलाइसिस के जो डायग्राम आ जाए, चाहे आपका एम्ब्रेडेंस हेयर हाफ्स आ जाए, तो आपको दिमाग में कन्फ्यूजन रखने की जरूरत नहीं है. दोनों का मतलब एक ही है, दोनों एक ही डायग्राम को रिप्रेजेंट करता है. कहते हैं ऑक्सीजन जो है उपस्थिति हो या ना हो, कोशिका में आरंभ में जो है ग्लूकोज का विखंडन हमेशा भी अवायवी ही होता है. ग्लूकोलाइसिस वायवी तथा अवायवी संवर्षण दोनों में ही होती है. ग्लूकोलाइसिस में जो है एंजाइम द्वारा नियंत्रित प्रक्रिया में चरणबद्ध होती है. ठीक है, इस तरीकों में ग्लूकोज का एक अणु जो है ऑक्सीकरण होकर जो है पैरुविक अम्बल के दो अणु बन जाते हैं. क्रिया का आरंभ ग्लूकोज से ही होती है. पौधों में प्रकाश संश्लेषण से बनता है तथा जंतुओं में जो है कार्बोहाइड्रेट के पाचन के फलस्वरूप ऐसा होता है. कहते हैं ग्लूकोलाइसिस को पुनः 3 भागों में बांटा जा सकता है. पहला जो होता है ग्लूकोज को फास्फेरीकरण द्वारा जो है फैक्टोस 1,6-डाइफॉस्फेट का बनना. यह ग्लूकोज को है सक्रियण है तथा इसे जो है 2 ATP अणु का यहाँ पर उपयोग किया जाता है. दूसरी बात यही बताती है कि उपरोक्त बने यौगिक का 3-कार्बन शकरा युक्त फास्फेट वाले दो यौगिक में टूटना,
ये यौगिक जो है आंतर परिवर्तन होते हैं, इसी से जो है ग्लूकोलाइसिस शब्द की उत्पत्ति हुई थी, यानी आंतर परिवर्तन के कारण ही ग्लूकोलाइसिस शब्द का उत्पत्ति हुई थी, जिसका अर्थ है ग्लूकोज का टूटना या ग्लूकोज का विखंडन, ग्लूकोलाइसिस यानी ग्लूकोज का विखंडन। कहते हैं प्रत्येक तीन कार्बन युक्त शर्करा जो है फास्फोर ऑक्सीकरण द्वारा हाइड्रोजन को त्याग कर अपचयित एनएडी का निर्माण करती है, तथा 2 ATP अणु का भी उत्पादन की जाती है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो कि यह क्रिया अपने आप में ऊर्जा एकत्र करने की पहली क्रिया है, जिसका विकास आज से लगभग 3 अरब वर्ष पूर्व प्राचीन जीवाणुओं में हुआ, परंतु आज ये सभी जीवों के प्रत्येक कोशिकाओं में पाई जाती है। तो देखिए कितना बदलाव हो गया, जो 3 अरब वर्ष पूर्व जो है कुछ जीवाणुओं में ही होता था, लेकिन आज के समय जो है प्रत्येक जीव के कोशिकाओं में पाया जाता है। तो कहते हैं कि इंसान भी बहुत कुछ बदल चुका है। इसमें कहते हैं ATP जो होता है ADP+PI 30 kJ जो है एनर्जी रिलीज करती है। तो यहाँ पर आप देख लोगे कि ये डायग्राम कुछ इस प्रकार शो होगा, ग्लूकोज ATP ADP ग्लूकोज 6-फास्फेट ATP और ADP में कन्वर्ट होगा, फिर फ्रक्टोज 1,6-डाइफास्फेट में होगा जो कि सक्रिय रहेगा, ग्लूकोज फास्फेट अवायवी रहेगा, और साथ में जो यहाँ पर डायग्राम है आगे वो बताती है कि 3-कार्बन शर्करा फास्फेट जो होती है इसमें 3-शर्करा फास्फेट में कन्वर्ट होता है, जिसे टूटने या विखंडन कहते हैं। तो यही प्रक्रिया जो होगा NAD+ और NADH+H में होगा, और ये होगा 2 ATP के साथ कंबाइन करेगा, फिर पैब्रिक अम्बल यानी 3-कार्बन यौगिक बनाएगा जो कि ऑक्सीकरण कहलाएगा। तो इस तरह से जो है ये रिएक्शन बहुत ही सुचारू रूप से होता है। अब इस अभिक्रिया में जो है कुछ जो है समीकरण भी बनते हैं, जैसे कि उपरोक्त अभिक्रिया संतुलन समीकरण क्या होती है, देखिए ग्लूकोज +4 ADP+4 PI+2 NAD जो कि रिप्रेजेंट करेगा 2 पैब्रिक अम्बल +4 ATP+2 NADH। उसके बाद ग्लूकोलाइसिस की अभिक्रिया अवस्था में ATP के 2 अणु का इस्तेमाल हो जाता है। अंततः ग्लूकोलाइसिस प्रक्रिया के दौरान बने कुल ATP अणु की संख्या जो होती है 4-2 होता है, तो इसका मतलब होता है 2 ATP में आएगा। इसके अतिरिक्त 2 अपचयित NADH+H+ अणु भी बनते हैं। अंत हम देखते हैं कि ग्लूकोलाइसिस प्रक्रिया के अंत में ऊर्जा की बहुत थोड़ी मात्रा ही निकलती है। उसके पश्चात दोस्तों हमारा होगा Q1 यानी फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन के हम सारे पढ़ेंगे, ठीक है, देखते हैं अगला हमारा टॉपिक क्या है। द वन ऑफ नेक्स्ट टॉपिक इज फर्मेंटेशन। फ्रेंड द फर्मेंटेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर इंडस्ट्री पर्पज। देयर इज अ फर्दर ऑक्सीडेशन ऑफ द ब्यूरिक एसिड रिक्वायर्ड टू द ऑक्सीजन O2 एज यू विल बी स्टडी सून। इट इज देन एंटर टू द माइटोकॉन्ड्रिया फॉर एनारोबिक रिस्पिरेशंस अंडर एनारोबिक कंडीशन फॉर इनसफिशियंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन मैक्रोब। प्लांट्स एंड एनिमल्स कैरी आउट फर्मेंटेशन। द फर्मेंटेशन इन्वॉल्व रिडक्शन ऑफ प्यूरिक एसिड एथिल अल्कोहल एंड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एज इन द ईस्ट आर द लैटिक्स एसिड एज इन द मसल सेल्स ऑफ एनिमल्स एंड ऑक्सीडेशन ऑफ द NADH टू NAD पॉजिटिव। दस NAD इज द डिजनरेटेड विच कैन बी यूज टू ग्लूकोलैटिक्स पथवे एंड द प्रोडक्शन ऑफ 2 ATPs कैन कंटिन्यू अंडर टू एनारोबिक कंडीशन। रेफर टू द फिगर्स ऑन हेयर नोट दैट देर इज नो फर्दर रिलीज ऑफ ATP ड्यूरिंग टू फर्मेंटेशन। Although you are more familiar with the term of fermentation in the context of alcoholic fermentation, it is now again used for the anaerobic pathway. After the production of the pyruvic acid in a glycerol is the cytosol. Friend, here show the glycolysis aerobics and the lactose fermentation anaerobic muscles lactobacillus and alcoholic fermentation anaerobics yeast. There are first of glucose anaerobics is a glucose is a formation by the 2 ADP, 2 NAD and 4 ADP. There is the other side is a 2 ATP and 2 NADH means to the 2 ATP of formation by the 2 ADP and 2 ADP formation by the 2 NADH and 4 NAD is the formation of 4 ATP. Means 2-pyruvate and second is lactose fermentation anaerobic muscles lactobacillus is a glucose is a formation by the 2 ATP is 2 ADP and 2 NAD is a formation by 2 NADH and there is a 4 ADP. There is a pyruvic 2-pyruvate is the formations and here reaction are that there is the 2-pyruvate is a convert to
2 NADH and there is a formation of 2 NAD positive, 2 electrolytes. And the other side is a glucose as a formation of alcoholic. There is a 2 ATP is 2 NAD and here 2 NAD positive is a 2 NADH. And here 4 ADP is the 4 ATP. The derivative is the carbon dioxide 2 CO2. The here formation 2 NADH is a 2 NAD positive. The 2 ethanol is a formation. Here net result of and net result of here. There glucose is a 2 pyruvate and 2 NAD is a 2 ATP. And 2 NAD is the formation of 2 NADH. Then is the net result of this reaction. And other reaction net result is the glucose is convert to the electrolytes and the 2 ATP is convert to the 2 ATP. And the net result of alcoholic reaction there is a the first is aerobic, second is anaerobic, and third is alcoholic reaction. The net result is the glucose is the formation of 2 ethanol plus carbon dioxide, 2 CO2. And here 2 ADP is the formation by the 2 ATP. There is a pathway or anaerobic respiration for here. The next is significance of fermentation. What do you mean by signification of fermentation? The fermentation has a number of industrial applications. It is made use of on the large scale in the content of industries. Macroorganisms like their different strain of the bacteria and the yeast are cultured in a very large number and used to the various purpose. The first is in a bakeries from a preparing to bread, cake and the biscuit. For this fermentation and in the various is for prepared wines and other alcoholic drinks, their formation of fermentation procedure. And a product producing of vinegars and in the tannins, there is a carry of the leather in the formation of their fermentation method. And the ethanol is used to make a gasol as a fuel that is used for the car and Brazil. There is a fifth is in everyday life, fermentation used the while making of idli, dosa, and bhatura and their dhokla. The kernel is the flour is a maida left for 1 year in a warm environment because there are somewhat spongy leavings. And this is because of fermentation by their bacteria that begin to grow in it. As a carbon dioxide escape, it is a cause to the leavings, their fermentation but protect. Give us a typical flavor and the taste to this item. Do you know why the muscle pain during the prolonged exercise? This is due to the accumulation of the lactic acid under to anaerobic condition. दोस्तों यहाँ पर जो है कीवन अभिक्रिया के बारे में विषय में हमने जाना है. देखिए कीवन जो होती है इसको फर्मेंटेशन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है. और कीवन मेथड जो है बहुत इंपॉर्टेंट मेथड होती है, इससे जो है बहुत इंडस्ट्रियल पर्पस यूज़ होती है. कहते हैं जो पायरविक्स अम्बल का ऑक्सीकरण करने के लिए जो ऑक्सीजन की आवश्यकता था, आप इसके बारे में जो है बहुत आगे भी पढ़ोगे, जानोगे भी किसमें है क्या. अंततः इसका वायवी ऑक्सीकरण जो है माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है, ठीक है. अब वायवी अवस्थाओं में ये जो है ऑक्सीजन की अपर्याप्त आपूर्ति होती है. और कहते हैं इसमें सूक्ष्म जीव एवं पौधे कीवन क्रिया करते हैं. जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं और पौधे होते हैं, कीवन मैथड से ही जो है आगे अपने प्रोसीजर को बढ़ाते हैं. कीवन जो है प्रक्रिया में जो है पायरुविक्स अम्बल का जो है इथेनॉल अल्कोहल एवं CO2 में अपचयन हो जाती है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड में ये अपचयन हो जाता है और प्लस इथेनॉल अल्कोहल का भी. कहते हैं ईस्ट में अथवा लैटिक अम्बल में जैसे कि तंतुओं की मांसपेशियों में भी ऐसा ही होता है. कहते हैं NADH का जो है NAD पॉजिटिव में ऑक्सीकरण होता है और इस प्रकार जो है NAD का जो है पुनः उत्पादन होता है, जिसका उपयोग जो है ग्लाइकोलोलैटिक्स पाथवे में जो है वायवी दशाओं में 2 ATP अणु बनाने में किया जा सकता है, ठीक है. आप चित्र में भी देखोगे और समझोगे आगे. कीवन प्रक्रिया में जो है ATP अणु का निर्माण नहीं होता है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब कीवन प्रक्रिया होता है दोस्तों तो इसमें ATP का निर्माण नहीं होता है. ये PMT क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है. क्या कीवन अभिक्रिया में ATP का निर्माण होता है? तो कई बच्चे तो यस में लगा देंगे क्योंकि भाई ऊर्जा मिल रही हो, लेकिन ऐसा नहीं है. ATP अणु का निर्माण नहीं होता है, यद्यपि आप कीवन शब्दों को जो है अल्कोहलिक कीवन के संदर्भ में अधिक परिचित हो, लेकिन अब इसका प्रयोग जो है अवायवी पथ में जो है पायरुविक्स अम्बल के लिए होता है. तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट रहा है कि अल्कोहलिक में इसका जो है सर्वाधिक इस्तेमाल किया जाता है. यहाँ पर एक फ्लो चार्ट आपके समक्ष दिया हुआ है, जिसमें आप देखोगे जो ग्लाइकोलोलिसिस है जो वायवी संवसन द्वारा होता है, लैक्टिस कीवन होती जो अवायवी मांसपेशियों के द्वारा होता है, और अल्कोहलिक जो होता है कीवन यानी अवायवी ईस्ट में होती है. तो ये पथवे जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, जिसमें ग्लूकोज की जो है प्राथमिक उपयोगिता दिखाई गई है, यानी ग्लूकोज जो है प्राथमिक
उत्पादन के रूप में है, स्टार्टिंग रूप में है, और इसमें 2 ATP के साथ संयोग करके जो है 2 pyruvate के निर्माण करने में एक सक्षम होगा। ये समीकरण देख सकते हो कि सारे एक जैसे ही हैं, कुछ भी इसमें डिफरेंस नहीं दिख रहा है, तो याद करना भी आपके लिए बहुत ही आसान हो जाता है ये। ठीक है, ये वायवीय अभिक्रिया में है। अब देखोगे कि जो पहले में है 2 ATP, ठीक है, जो फॉर्मेशन करके 2 ADP में कन्वर्ट होता है, और यहाँ 2 ADP पॉजिटिव जो है 2 NADH में कन्वर्ट करता है, और यहाँ पर 4 ADP जो है 4 ATP में कन्वर्ट करता है। ऐसे ही आपको अवायवी मांसपेशियों में भी होता है, यानी लैक्टेस कीवन में होती है, और अल्कोहलक कीवंस में भी ऐसा ही प्रोसीजर होता है। सब में जो होता है 2 pyruvate जो बनता है, सब में 2 pyruvate ही बनता है, लेकिन आगे चल के जो है 2 में जो है कुछ अलग परिणाम यहाँ पर निकलता है। ठीक है, जो आपका अवायवी रिएक्शन होगा पाइवेट के बाद जो है 2 ADP यानी 2 NADH जो है कन्वर्ट हो गए 2 ADP AD में कन्वर्ट हो जाता है, जिसमें लैक्टेट्स में कन्वर्ट बनाएगा। लेकिन वही जो होता है अल्कोहलिक यानी अवायवी ईस्ट में क्या होता है, पाइवेट जो होती है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके 2 NADH के साथ 2 NAD में कन्वर्ट करता है, जिसमें 2 ethanol अम्ल का निर्माण होता है। तो इस प्रकार जो है काफ़ी अच्छा अभिक्रिया यहाँ पर दर्शाया गया है। अब देखिए ये सब प्रक्रिया में जो होता है क्या रिजल्ट आता है, तो पहला तो आपको पता है कि वायवी रिएक्शन हुआ था, इसमें कुल परिणाम जो होगा ग्लूकोज जो होगा पाइरूवेट में कन्वर्ट होगा। मैंने कहा था ना ग्लूकोज जो होगा पाइरूवेट में कन्वर्ट होगा, और 2 ADP जो होगा 2 ATP में कन्वर्ट होगा, और 2 NAD पॉजिटिव जो होगा 2 NADH में कन्वर्ट होगा। उसके बाद जो दूसरा हमारा है अवायवी अभिक्रिया, तो अवायवी अभिक्रिया जो मांसपेशियों में होती है उसमें जो है ग्लूकोज होगी लैक्टेट्स में कन्वर्ट होगा, लैक्टेट्स जो होती है उसमें कन्वर्ट होगा, और 2 ADP जो होगा 2 ATP में कन्वर्ट होगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण यहाँ पर बात को दर्शाया जा रहा है। कहते हैं इसमें कुल परिणाम क्या होती है, देखिए दोस्तों इसमें कुल परिणाम भी आती है। कहते हैं ग्लूकोज जो होता है 2 ethanol में कन्वर्ट होता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की भी उत्पत्ति होती है, यानी ये जो होता है आपका कीवन अभिक्रिया, यानी जब अल्कोहल का निर्माण हम करते हैं तो अल्कोहल के निर्माण में ऐसी अभिक्रिया देखने को मिलता है। ठीक है, और कहते हैं 2 ADP जो होगा वो 2 ATP में कन्वर्ट होगा। ठीक है, ये सारे जो आपने पथवे देखा है, तीनों पथवे जो है चाहे वो वायवी हो अवायवी हो चाहे अल्कोहलिक फर्मेंटेशन हो, ये सारे के सारे जो है अवायवी श्वसन के पथवे के रूप में यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात भी रखता है। अब यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात ये आती है, जो कीवन का अभिक्रिया है उसका महत्व कहाँ है, आखिर कीवन का जो है हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं और हमारा किस किस पर्पस में इसका जो है उपयोग किया जाता है। तो कीवन का महत्व के विषय में तो आप लोग भली भांति परिचित ही हो। कहते हैं कीवन प्रक्रिया का प्रत्येक अनेक उद्योगों में धंधों में उपयोग किया जाता है। कुछ उद्योगों में तो इस प्रक्रिया का व्यापक इस्तेमाल ही होता है। जीवाणुओं में विभिन्न मतभेदों से ईस्ट की काफ़ी अधिक मात्रा में जो है संबंधित करके उसके अनेक प्रकार से उपयोग में लाया जा सकता है। सबसे पहला तो इसका यही प्रयोग होता है कि ये जो दोस्तों होता है बेकरी में जो है डबल रोटी बिस्किट एवं केक आदि बनाने में किया जाता है। आपको पता ही है जब बेकरी जितने भी होते हैं जो आप लोग खाते हो, ब्रेड खाओ या आप तरह तरह के जो कहते हैं जो बिस्किट होते हैं, उन चीज़ों में भी जो है यही कीवन अभिक्रिया का ही उपयोग किया जाता है। बेकरी में डबल रोटी हो, बिस्किट हो, केक हो आदि बनाने में भी इसका बहुत अच्छा इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके बाद शराब एवं अन्य अल्कोहलिक उत्पाद जैसे बियर, रम इत्यादि बनाने में तो इसका इस्तेमाल होता ही होता है। आपको पता ही है कीवन अभिक्रिया के द्वारा ही जो है शराब की निर्माण होती है, यानी अल्कोहल का जो है निर्माण होता है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर अपना स्थान रखता है। ठीक है, तो ये सब जो है बियर, रम, ये सारे जो है कीवन मेथड से ही बनाई जाती है। उसके पश्चात सिरका बनाने एवं चमड़े की टैनिंग यानी चमड़ शोधन करने में भी उपयोग किया जाता है। देखिए दोस्तों कीवन अभिक्रिया का जो है सिरका बनाने एवं चमड़े के टैनिंग करने के लिए भी इसका इस्तेमाल जो है बहुत ही आसान तरीके से किया जाता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। अब देखिए इतना सारा पर्पस है तो कैसे कीवन मेथड जो है आसान नहीं हुआ, कैसे इंपॉर्टेंट नहीं हो सकता है। कहते हैं एथेनॉल का उपयोग जो है ब्राज़ील में गाड़ियों को चलाने में किया जा रहा है। आजकल जो है एथेनॉल का उपयोग ब्राज़ील में गाड़ियों चलाने के लिए उपयोग किया जा रहा है। देखिए कीवन मेथड जो है आगे वाला आने वाला फ्यूचर में एक फ्यूल की तरह काम कर सकता है। कहते हैं जब ब्राज़ील में चलाया जा सकता है एथेनॉल से, तो आने वाला समय में हमारे जो है इंडिया में भी ऐसे प्रयोग किया जा सकता है। तथा वर्तमान में भारत सरकार भी पेट्रोल में अल्कोहल मिलाकर बेचने की योजना का कार्य कर रही है, जैसे जो है गैसोहॉल भी कहते हैं। देखिए दोस्तों अब सब भारत सरकार ने भी इसका उपयोग करना शुरू कर दिया, यानी पेट्रोल में जो है अल्कोहल मिला के जो है गाड़ी चलाने की क्रिया को यहाँ पर सुचारू रूप से करने की कोशिश किया जा रहा है।
और कहते हैं अगर ऐसा हो जाता है तो पेट्रोलियम की हमें आवश्यकता नहीं होगा, पेट्रोल की होगी ही नहीं, क्योंकि जब अल्कोहल से गाड़ी चलेगा तो अल्कोहल तो जो है हम स्वयं ही जो है फर्मेंटेशन कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं। और मुझे विश्वास है कि आने वाला फ्यूचर में देखना है इन चीज़ों का इस्तेमाल होगा, अल्कोहल का प्रयोग जो है गाड़ी चलाने में 100% किया ही जाएगा, क्योंकि ऐसा ही विकल्प होने वाला है, क्योंकि अल्कोहल ही है जो इसके लिए सक्षम हो, क्योंकि अल्कोहल जो है एक एनर्जी के रूप में यहाँ कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। और कहते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में जो है किन प्रक्रिया में जैसे इडली हो गया, डोसा हो गया, भटूरा हो गया, ढोकला हो गया, इत्यादि में भी प्रयोग किया जाता है। आप सोचते होंगे कैसे प्रयोग किया जाता है। दोस्तों अगर आप अपने जो है मम्मी से पूछेंगे या अपनी बहन से पूछेंगे या घर में कोई भी जो भोजन आपको तैयार करते हैं तो पूछना कि हम ऐसे कैसे कर सकते हैं, तो आपको पता है अगर आपने पकौड़ा बनाना है, कुछ भी बनाना है और उसमें आपने जो मीठा सोडा नहीं डालना है तो आप क्या करो, बेसन को कुछ समय घोल के छोड़ दो टेम्परेचर पे। इससे क्या होगा, उसमें जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ कर जाएगा और ये जो है किवन मेथड में चला जाएगा। इससे जो होगा आपको इसमें केमिकल डालने की आवश्यकता भी नहीं होगा और ये जो पकौड़े होंगे वो फूल जाएंगे। तो ये सारे जो मेथड है नेचुरल मेथड है। तो कहते हैं अगर आप इडली डोसा भटूरा ढोकला ये इत्यादि बनाने में अगर ऐसा करते हो तो इसमें क्या करना पड़ेगा, आप गुथे आटे में जो है खमीर मिलाकर गर्म वातावरण में रखना पड़ेगा कुछ समय के लिए, आटा गुथ के जो है कुछ समय के लिए आपको गर्म वातावरण में उसको रखना पड़ेगा। इससे क्या होगा, उसमें खमीर जो होगा ग्रोथ कर जाएगा, ठीक है। तो इसमें आटा में जो है स्पंजी हो जाता है, यानी ये जो होगा काफ़ी सॉफ्टली हो जाएगा आटा, और ये सॉफ्ट जब हो गया तो फूल भी जाता है और इस प्रकार से उसमें जो है विशिष्ट गंध यानी स्वाद आ जाता है, जो कि बहुत ही काफ़ी इम्पोर्टेंट यहाँ स्थान रखता है। कहते हैं कि क्या आप जानते हैं कि अधिक देर तक जो है व्यायाम करने से हमारी मांसपेशियों में दर्द क्यों होती है, इसका कारण है मांसपेशियों में लैक्टिस अम्ल का जमा होना। देखिए अधिक देर तक हम एक्सरसाइज करते हैं तो इसमें जो है लैक्टिस अम्ल जो होती है घट कर जाती है और जिसकी वजह से हमें पेन महसूस होने लग जाता है, लेकिन जो व्यक्ति प्रतिदिन करते हैं तो उनको ऐसा लैक्टिस अम्ल जो है नहीं जमता है। तो यही सब जो रिएक्शन है जो हमारे दैनिक जीवन में काफ़ी प्रभावित करता है। कहते हैं दोस्तों जो ये सब बातें समझता है जानता है उसके लिए जो है पढ़ाई लिखाई काफ़ी आसान हो जाता है। कहते हैं दोस्तों इसी के साथ जो हमारा होगा ये टॉपिक जो होगा ख़त्म होगा, उसका अगले टॉपिक में जो है हम बात करेंगे इसके आगे की प्रोसीजर का, जिसमें हम फैब्रिक अम्बल का जो है 22 वसन के पहुँचाएंगे और जो है कैविक चक्र और सेट्रिक अम्बल चक्र के विषय में हम विस्तार से जानेंगे। तो ये सब तब होगा जब आप अगला पार्ट देखोगे, और अगला पार्ट देखने के लिए जो है सब्सक्राइब भी करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर सब्सक्राइब करके नहीं रखोगे तो आपके जो है मोबाइल पर नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा और उस वीडियो से जो होगा होगे अनभिक्त हो जाओगे और वो नहीं देख पाओगे जो इतना इंटरेस्टिंग होने वाला है, ठीक है। तो इसलिए विचार नहीं कीजिए, सोचिए नहीं, अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करके रखोगे तभी जो है मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा, अदरवाइज आपके पास जो है नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि तिरपान स्टडी सेंटर जो है नहीं नाम कोई जानता है, ना लिखने में बच्चों को बनता है, ना वो लिख पाएंगे। तो इसलिए मैं कहता हूं इसको जो है सब्सक्राइब कर लेने में ही आपका फ़ायदा है। और दोस्तों एक बात तो आपको पता ही, जो आपको मैंने बताया था कि मेरा जो है आपको दूसरा जो है हाथ बनना है, और दूसरा हाथ तब बनोगे जब दूसरे बच्चों तक इसको पहुँचाने में मेरा मदद करोगे। तो इसलिए सोचिए नहीं, विचार ना कीजिए, मेरा दूसरा हाथ के रूप में प्रयोग कीजिए, अपना व्हाट्सएप स्टेटस पे जो है लिंक को लगाइए जिससे दूसरे बच्चे भी लाभान्वित हो, क्योंकि दोस्तों देखिए दोस्तों दूसरे बच्चों को लाभान्वित करना हर इंसान का जो है परम धर्म होना चाहिए। कहते हैं आजकल तो शिक्षा के क्षेत्र में हर व्यक्ति जो है सराहनीय योगदान दे रहे हैं, भलाई कर रहे हैं, ठीक है। कहते हैं इसी भलाई पे जो है सरकार जीत जाती है, तो आप जो है अच्छा कोशिश करके क्यों नहीं आप जो है रिजल्ट में अच्छा जीत लोगे, अच्छा प्राप्त कर लोगे। आज सरकार जो है एजुकेशन सिस्टम को लेके जो है अपना जो है दिल्ली जीत जाती है, तो आपको भी जो है अच्छे से अच्छे करना है और पढ़ाई में जो है अच्छा से अच्छा करके माता पिता का दिल जीतना है और दूसरे बच्चों को भी हेल्प कर देना है। दूसरे बच्चों की हेल्प कीजिएगा तो उससे जो है उनके भी माता पिता खुश होंगे और यानी एक साथ जो है आपने कई अच्छे काम है, तो ये आपको जो है विशिष्ट और जो है उत्तम बना देगा। तो ये आपको ख्याल रखना है कि देखना है वीडियो, प्लस जो है दूसरे बच्चों के हेल्प के लिए इसको जो है व्हाट्सएप स्टेटस या आप जैसे भी हो सकता है उसको शेयर कर दीजिए। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पर आए हो, सब्सक्राइब करना आपका फर्ज बन जाता है। सब्सक्राइब करने से यह होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी
भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से तिरपान स्टडी सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहाँ पर आप तिरपान लिखिएगा तो जो है वो तिरपस कर देगा, ठीक है, जो आप गूगल पर सर्च करोगे तिरपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्जाम खत्म हो जाने की मेरा क्या जरूरत है तिरपान स्टडी सेंटर से, ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने का सोचिएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, तिरपान स्टडी सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है, क्यों, क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास 9th 10th 11th 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्ट को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NISU बोर्ड के जो है 10th प्लस 2 को भी कवर करता है, साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6th सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफ़ी जो है तिरपान स्टडी सेंटर का फायदा ही फायदा है, ठीक है। अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊंगा जो आपको फायदा पहुंचाएगा। एग्जाम के तौर पे मैं आपको जो है पेपर भी आपको सॉल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं ना वीडियो बनाऊं और आपको फायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूंगा, ठीक है दोस्तों। इसे सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए, ठीक है दोस्तों। अपना ध्यान रखना, बाय।